पीएम नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर आज के समय में एक अलग ही तरह की राजनीति ने जोर पकड़ रखा है। आज के राजनीतिक दौर में विपक्ष मोदी विरोध में इतना तल्लीन है कि उसने तमाम राजनीतिक सिद्धांतों को ताक पर रख दिया है। भारतीय राजनीति के हर दौर में राजनीतिक शिष्टाचार को सर्वोच्च स्थान पर रखा गया था, फिर चाहे पक्ष हो या विपक्ष। राजनीति में जुबानी हमले होते रहे हैं, लेकिन हमेशा से ही पद और सार्वजनिक मर्यादा का ख्याल हर पार्टी ने हर दौर में रखा है, लेकिन आज की राजनीति में इस भाव का अभाव दिखता है। मोदी के राजनीतिक कद धरोहर और हार से ग्रस्त विपक्ष की हताशा का आलम यह है कि अब विपक्ष द्वयम दर्जे की राजनीति पर उतर आया है। पहले दिल्ली और अब गुजरात में प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार कर दिया गया है। जो आम आदमी पार्टी सर्वोच्च राजनीति शिष्टाचार की बात करती थी, क्या ये बातें भी उसके पाखंड का ही एक रूप था? क्योंकि आपकी एक और करतूत सबके सामने आई है, जिसके बाद आपके कई लोग पुलिस के गिरफ्त में आ गए हैं। केजरीवाल को गुजरात में मोदी से पंगा लेना भारी पड़ गया है। एक ओर मोदी की डिग्री मामले में कोर्ट ने झटका देते हुए जुर्माना लगाया, तो दूसरी ओर पुलिस ने एक दूसरे मामले में आपके खिलाफ एक्शन लिया है। आखिर क्या है मामला, बताते हैं आपको इस खबर में। दरअसल गुजरात में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाना महंगा पड़ गया है। पीएम मोदी के खिलाफ विवादित पोस्टर लगाने के मामले में पुलिस ने कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब उनसे इस मामले में पूछताछ हो रही है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक अहमदाबाद के कई इलाकों में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाए गए थे, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। अहमदाबाद में ये गिरफ्तारियां आपके पीएम मोदी के खिलाफ शुरू किए गए पोस्टर अभियान, मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे लिखे पोस्टर शहर की दीवारों पर चस्पा किए जाने के बाद शुरू हुई है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाना भारी पड़ गया है। वहीं आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री के मामले पर गुजरात हाईकोर्ट जुर्माना लगा चुकी है। इसके साथ ही सख्त टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ आप भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री इस काम के लिए बाध्य नहीं है कि वो अपनी डिग्री दिखाए। ऐसे में आम आदमी पार्टी को समझना होगा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी होना एक बात है और संवैधानिक पद की गरिमा खंडित करना दूसरी बात है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन में शामिल होने को लेकर चर्चा तेज है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी नेताओं के साथ इन दिनों नजदीकियां बढ़ा रहे हैं और आने वाले दिनों में वो फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे कई वजह है जो हम आपको बताते हैं। दरअसल महागठबंधन में जाने के बाद से नीतीश कुमार पर आरजेडी के नेता सीएम की कुर्सी खाली कर तेजस्वी यादव को सौंपने का दबाव बनाने लगे थे। आरजेडी के कई नेताओं की बयानबाजी नीतीश कुमार के खिलाफ शुरू हो गई थी, जिससे नीतीश कुमार दबाव में आ गए थे। और नीतीश कुमार को समझने वाले सियासी पंडित मानते हैं कि नीतीश कुमार जैसे ही दबाव में आते हैं वो पाला बदल लेते हैं, और अब एक बार फिर नीतीश कुमार यही संकेत दे रहे हैं। दरअसल चैती छठ के मौके पर खरना का प्रसाद ग्रहण करने के लिए सीएम नीतीश कुमार बीजेपी एमएलसी संजय मयूख के घर पहुंचे थे, खरना का प्रसाद खाया और आशीर्वाद भी लिया। संजय मयूख गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया हेड भी हैं। ऐसे में अमित शाह के करीबी नेता के घर नीतीश कुमार का पहुंचना बहुत कुछ बयान कर रहा है। इसके साथ ही पटना में रामनवमी के मौके पर सीएम नीतीश कुमार रामनवमी जुलूस में शामिल हुए। इस जुलूस में बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे, लेकिन इसमें आरजेडी से कहीं से भी कोई नहीं दिखा। इसको लेकर अब सियासी गलियारों में हलचल तेज है। इस दौरान रामनवमी के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक साथ थाली पकड़कर भगवान श्री राम की आरती की। अब इस तस्वीर की चर्चा सियासी गलियारे में हो रही है। इस दौरान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, मंत्री विजय चौधरी समेत कई बड़े नेता मंच पर मौजूद थे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दौरान विभिन्न मोहल्लों से निकली शोभा यात्रा की आरती उतारी और अभिनंदन किया। हाल के दिनों में बीजेपी के नेताओं के साथ नीतीश कुमार का मिलना जुलना बढ़ गया है, जिसके बाद से ही नीतीश कुमार के मिजाज में बदलाव की अटकलें लगने लगी थी। माना जा रहा था कि आरजेडी के बड़बोले नेताओं मंत्रियों से नीतीश कुमार तंग आ चुके हैं, वो अपने स्वभाव के मुताबिक फिर पाला बदलने की तैयारी में हैं। वैसे भी अब नीतीश कुमार के बारे में लोगों का यही आकलन है कि वो सहयोगी दलों के दबाव में कभी नहीं रहना चाहते। जब भी सरकार में सहयोगी दल उन पर दबाव बनाना चाहते हैं तो वो साथ ही बदल लेते हैं।
वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के मिजाज में बदलाव देखकर आरजेडी के होश ठिकाने आते दिख रहे हैं। आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, जिन्हें रामचरितमानस पर विवादित बयानबाजी के लिए नीतीश कुमार ने टोका तो उन्होंने नीतीश को ही पलटकर जवाब दे दिया था, लेकिन वो अब शांत हो गए हैं और हाल ही में चंद्रशेखर को लोगों ने नीतीश कुमार का पांव छूते देखा। वहीं हाल ही में तेजस्वी यादव ने तो नीतीश कुमार की तारीफों के पुल ही बांध दिए थे। तेजस्वी ने भी साफ कर दिया कि उन्हें सीएम नहीं बनना, नीतीश के नेतृत्व में डिप्टी सीएम बनकर ही वो काम करना चाहते हैं। ऐसे में आरजेडी के जो नेता नीतीश कुमार पर सीएम की कुर्सी खाली करने का दबाव बना रहे थे, अब वो नीतीश कुमार के आगे शांत ही नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की बीजेपी के नेताओं से बढ़ती नजदीकियों की वजह से आरजेडी के तेवर नरम पड़ गए हैं। भारत में एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और जब से गुजरात हाईकोर्ट ने देश के कट्टर ईमानदार नेता केजरीवाल पर जुर्माना लगाते हुए तल्ख टिप्पणी की है, तब से केजरीवाल साहब राजनीतिक बौखलाहट के शिकार हो गए हैं। अब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि अब करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या। इसीलिए अब वो प्रेसवार्ता कर संविधान और अदालत पर निष्ठा दिखाने का ढोंग देखने वाले केजरीवाल अब न्यायालय को ही कटघरे में खड़ा करने लगे। मोदी के खिलाफ कोर्ट में हारने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनकी बातों से राजनीतिक हताशा साफ छलक रही थी। क्या कुछ कहा केजरीवाल ने अपनी प्रेसवार्ता में और कैसे आम आदमी पार्टी को पड़ गए लेने के देने, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल पीएम मोदी की डिग्री दिखाने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट का कल ऑर्डर आया कि देश के लोग प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी नहीं ले सकते। इससे पूरा देश स्तब्ध है, क्योंकि हम जनतंत्र में रहते हैं, यहाँ प्रश्न पूछने और जानकारी मांगने की आजादी है। किसी का कम पढ़ा लिखा होना कोई गुनाह नहीं है, किसी का अनपढ़ होना कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। हमारे देश में इतनी गरीबी है, अपने घर की परिस्थितियों की वजह से बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं पढ़ पाते। आगे सीएम ने बताया कि उन्होंने पीएम की डिग्री की जानकारी क्यों मांगी। केजरीवाल ने कहा कि हमारे देश में आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, आज लोगों में बहुत बेचैनी है। उन्होंने कहा, जब हम देखते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के हर दूसरे तीसरे दिन ऐसे बयान आते हैं जो देश को विचलित कर देते हैं। जैसे एक उनका बयान आया कि नाली में से जो गैस निकलती है उस गैस से चाय बनाई जा सकती है। कोई भी जानकार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी इस किस्म की बात नहीं करेगा। तो देखा अपने कोर्ट के फैसले के बाद कैसे केजरीवाल बेचैन नजर आ रहे हैं। मोदी के खिलाफ पर्सनल टिप्पणी करने के मामले में उन्हें कोर्ट से एक्सपोज कर दिया है। केजरीवाल को समझना होगा कि वो जिस पीएम मोदी की पढ़ाई लिखाई पर सवाल उठा रहे हैं, वो पीएम आज पूरी दुनिया में टंका बजा रहे हैं। अपने ज्ञान और सूझबूझ से ही पीएम मोदी ने भारत का कद दुनिया में बढ़ाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति भी आज पीएम मोदी से मिलने के लिए उत्सुक रहते हैं। वहीं केजरीवाल पर बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए निशाना साधा। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ही कहा कि अरविंद केजरीवाल जी पूरी तरह से विक्षिप्त हो गए हैं, पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, निम्नता पर आ गए हैं और कोर्ट से फटकार भी खा रहे हैं। उन्होंने जिस तरह की भाषा शैली और भाव भंगिमा का इस्तेमाल किया है वो निम्नतम स्तर है। केजरीवाल जी को समझना होगा कि देश में भ्रामकता की राजनीति को नहीं फैलाना चाहिए। राजनीति में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, विचारधारा भी अलग हो सकती है, लेकिन आज के प्रतिस्पर्धा वाली राजनीति के दौर में केजरीवाल साहब को जनता के बीच जनता की बेहतरी का ब्लूप्रिंट लेकर जाना चाहिए, ना कि निम्न स्तर की राजनीति कर देश की संवैधानिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा और छवि को धूमिल करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल अपने बयानों की वजह से बीजेपी के निशाने पर है। केजरीवाल बीजेपी नेताओं और पीएम मोदी पर आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन उनके पास उनका कोई प्रमाण नहीं होता, जिसके बाद बीजेपी के नेता कोर्ट पहुंच जाते हैं और फिर केजरीवाल को माफी मांगनी पड़ती है। लेकिन इसके बाद भी केजरीवाल आरोप लगाने से पीछे नहीं हटते। हालांकि इस बार केजरीवाल ने उस नेता से पंगा ले लिया है जो खुद आक्रामक तेवर के लिए जाने जाते हैं। दरअसल 2 अप्रैल को असम में अरविंद केजरीवाल की पहली राजनीतिक रैली होने जा रही है। इससे पहले ही राज्य में राजनीतिक पारा बढ़ता चला जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने रैली से पहले अरविंद केजरीवाल को खुली चेतावनी दे डाली। उनका कहना है कि मेरे खिलाफ एक भी शब्द बोले कि मैं भ्रष्ट हूं और अगले ही दिन मैं मानहानि का मुकदमा दायर कर दूंगा। वहीं मैंने मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी किया था। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित तौर पर दिल्ली विधानसभा में कहा था कि शर्मा के खिलाफ अन्य राज्यों में मामले दर्ज हैं। इसी बयान के बाद असम के सीएम का उनके खिलाफ बयान सामने आया है। उन्होंने केजरीवाल को खुली चुनौती देते हुए कहा कि केजरीवाल अपने इन आरोपों को एक बार असम में आकर लगाएं। एक कायर की तरह केजरीवाल ने विधानसभा में ये बात बोली है। शर्मा ने कहा, अभी इन्होंने केजरीवाल के खिलाफ कोई मानहानि का मुकदमा दर्ज नहीं किया है, लेकिन अब वो ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या देश के किसी भी हिस्से में मेरे खिलाफ कोई मामला है। मैं मानहानि का मुकदमा दायर करना चाहता हूं, लेकिन अरविंद केजरीवाल कायर की तरह विधानसभा के अंदर बोले, इसीलिए उन्हें असम आने दे। शर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि देश के किसी भी हिस्से में उनके खिलाफ कोई मामला नहीं है।
उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा में किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, जहां आप जानते हैं कि वो इंसान बचाव करने के लिए नहीं है। उन्होंने झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम किया है। शर्मा ने दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ कामरूप के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पिछले साल अगस्त में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में शर्मा के खिलाफ कुछ आरोप लगाने के लिए ये मुकदमा दायर किया गया था। बीजेपी नेता शर्मा तब स्वास्थ्य मंत्री थे और अब इस बार शर्मा ने केजरीवाल को पहले ही चेता दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।